सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसे कि तुमने थंबनेल देखा है, आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी के बारे में। आखिर क्या ये कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है? आखिर क्या ये कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सोनन मेन प्रोटैगनिस्ट है? इन सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पर हाँ, पहले सुन लो, बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्लस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या लूफी एक बढ़िया कैप्टन है? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बिकॉज वो एक नंबर का बेवकूफ है। लेकिन तुम्हें वो जोरो का लाइन तो याद ही होगा, भले ही वो इडियट है बट हमारा कैप्टन है। वैसे ही भले ही वो इडियट है बट उसने बहुत सारे जगहों पे प्रूव किया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। प्लस वो ये भी जानता है उसका वीकनेस क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इसी वजह से वो ये भी जानता है कि वो इडियट है, पर उसने बहुत सारे जगहों पे स्मार्ट मूव्स भी यूज किए हैं। जैसे भले ही उसका डिसीजन क्रू में सबसे फाइनल होता है, अगर उसने बोल दिया मतलब होगा ही होगा, बट बहुत सारे जगहों पे वो नामी के भी उन बातों को सुनता है जहां उसे लगता है कि उसकी बातें सुननी चाहिए। वो वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, उसको स्काइपिया जाना था बट कैसे जाना है उसे नहीं पता, उसके लिए उसे खोजबीन करनी थी। अब वहाँ पर बेलमी वाला लफड़ा तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ नामी ने उन्हें फाइट करने से मना किया था, और वहाँ पर लूफी और जोरो दोनों ही मार खा लेते हैं। लूफी मार इसलिए खाता है क्योंकि वो नामी की बातें सुनता है और उससे वो एग्री करता है। प्लस जोरो की अगर मैं बात करूं, कैप्टन ने ना बोल दिया मतलब वो फाइट नहीं करेगा, वो कैप्टन का सबसे लॉयल बंदा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर लूफी इतना ही बड़ा इडियट होता तो क्या वो नामी की बात सुनता? नहीं सुनता, वो जाके उन सबसे भिड़ जाता। प्लस तुम ये बात भी समझ रहे हो, वो कैप्टन वाली दादागिरी नहीं करता, मैं कैप्टन हूँ मैं ही सब करूंगा, वो सब चीजें वो नहीं करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना जानता है। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि अभी मैंने बोला लूफी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सोचा होगा अगर मैं अभी इससे पिट गया तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ेगा, मुझे सब कोई डरपोक बोलेंगे, और फिर भी वो अपनी इज्जत के बारे में ना सोच करके नामी के डिसीजन पे एग्री करता है? मुझे लगता है हाँ, उसने इसके बारे में जरूर सोचा होगा, और ये जानते हुए भी उसने उसकी बात मानी। पर क्यों? इसका जवाब उससे पहले ही मिल चुका था। कैसे? तुम सब जानते हो लूफी सैंक्स को एडमायर करता है, और लूफी ने भी वही किया। बैंडिट्स वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, वो एपिक लाइन यार बहुत ही ज्यादा मस्त था, जब सैंक्स बोला था और लूफी भी बेलमी को तब जवाब देता है जब उसके फ्रेंड को कोई हर्ट करता है। खैर, बैक टू द टॉपिक, क्या तुम सबने एक और बात पे गौर किया? लूफी ने अब तक अपने क्रू में जिन जिन लोगों को लिया है उन सभी का डिसीजन उसने खुद लिया है, और अगर वो किसी और की सुन लिया होता तो आज उसके साथ सांजी, नामी, रॉबिन ये लोग उसके साथ नहीं होते। वो रिस्क लेने से डरता नहीं है, ये एक लीडर की पहचान है, वरना फिर वो एक्सट्रैक्ट को कभी भी अपने साइड नहीं लेता। खैर, ये सारी बातें तो हो गई एज ए कैप्टन, अब बात करते हैं एज ए मेन कैरेक्टर। इसमें कोई शक नहीं है कि मंकी डी लूफी वन ऑफ द बेस्ट सोनन मेन कैरेक्टर है होल एनिमे वर्स का। इसका पॉपुलैरिटी जापान में इतना ज्यादा है ना कि चिल्ड्रंस डे लूफी के बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है। माय एनिमे लिस्ट में पॉपुलैरिटी के मामले में ये नंबर 4 पे है। खैर, जैसा कि मैं कह रहा था, मंकी डी लूफी इज वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर। आओ जानते हैं कैसे। तुम जरा याद करो बाकी सभी सोनन मेन कैरेक्टर के बारे में, उन सब के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जिनके बारे में अगर तुम सोचो तुम्हें लगेगा क्या बदकिस्मती है, और वो चीज तुम्हें पसंद नहीं भी आ सकती है। जैसे नारुतो एक नंबर का लूजर था, इचिगो कुरासाकी, हमेशा वो मुसीबत पे फंसता था अपने फ्रेंड्स के चलते। बट वहीं अगर हम जाए लूफी के साथ तो लूफी इडियट है, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, और तुम्हें वो चीज यार पसंद नहीं भी आता है। हर कोई चाहता है, हर कोई सोचता है काश लूफी थोड़ा और इंटेलिजेंट होता। लूफी को अगर तुम गौर से देखो तो वो इडियट है, और इसी वजह से वो हमेशा अपने दिल की सुनता है, और धीरे धीरे टाइम के साथ अपने दिमाग को भी वो यूज करना सीख रहा है। अगर तुम टाइम स्किप से पहले वाले लूफी को देखो तो वो हमेशा अपने किसी भी फाइट में दिमाग को यूज नहीं करता था, अंधों की तरह फाइट करता था, किसी भी फाइट को ले लो। बट अगर तुम टाइम स्किप के बाद वाले लूफी को गौर से ध्यान से देखो तो वो हमेशा अपने फाइट के बीच में दिमाग का यूज करता है। लूफी वर्सेस काटाकुरी का ही फाइट ले लो, वहां पर वो अपने दिमाग को यूज किया था,
बहुत ही ज्यादा। डॉफ्लामिंगो के खिलाफ भी वो दिमाग को यूज करता है। टाइम स्किप के बाद लगभग हर जगह पे वो अपना दिमाग को यूज कर रहा था, बट टाइम स्किप से पहले नहीं। और हाँ, मैं ये वीडियो जो है एनिमे वॉचर्स और मांगा रीडर दोनों के लिए बनाना चाहता था, इस वजह से मैंने यहाँ पर मांगा के स्पॉइलर नहीं रखे, वरना मैं यहाँ पर वानो के स्पॉइलर बक रहा होता। प्लस अभी जो मैंने कुछ देर पहले बोला, लूफी किसी को भी अगर अपने क्रू में लेना चाहता है तो वो किसी और से डिस्कशन नहीं करता है, वो अपने मन से डिसीजन लेता है। और अगर वो किसी और का डिसीजन सुना होता तो आज उसके साथ नामी, रॉबिन, सांजी वानो में फाइट नहीं कर रहे होते। तो चलो उसी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले नामी, आर्लोंग पार्क वाला वो सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ पर वो एपिक सीन था, लूफी अपना हैट नामी को देता है। अगर तुम उससे पहले गौर करो, लूफी अपना हैट नामी को छूने तक नहीं देता है। लूफी का वो ट्रेजर है, बट नामी को वो उस वक्त पहना देता है। लूफी अपना सबसे बड़ा ट्रेजर नामी को दे देता है बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट करता है। प्लस वो यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले, और वो जा करके वहाँ पर आर्लोंग की बैंड बजा देता है। खैर वहीं अगर हम लोग जाएं रॉबिन के पास, एनिस लॉबी वाला वो फ्लैग जलाने वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, वो बहुत ही ज्यादा मस्त सीन था। वहाँ अगर तुम रॉबिन का पास्ट याद करो, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है रॉबिन को हर कोई डेविल चाइल्ड बोल रहा था। प्लस जब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके ऊपर बाउंटी लगा देती है, वो जहां भी जाती है उसका कोई हेल्प नहीं करता है, हर कोई उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों ही पकड़ाना चाहता है, वो हर जगह भागने का ट्राई करती है बट कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, कोई उसका हेल्प नहीं करता है। बट यहाँ पर लूफी उसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ जाता है। रॉबिन उस वक्त जगुआर डी सोल की बातों को याद करती है, क्योंकि उसने उसे कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारे ट्रू नाकामास मिलेंगे, जो तुम्हारे लिए पूरे वर्ल्ड से लड़ जाएंगे, और वो समय उस दिन को आता है। चलो अब हम लोग चलते हैं सांजी के पास। होल केक वाला वो वाला आर्क तो तुमको याद ही होगा, जहां पर सांजी ने लूफी को मारा था, बहुत ही गंदी तरह से मारा था, बट लूफी ने उसे कुछ नहीं किया। बट वाई? बिकॉज वहां पर लूफी सांजी की सिचुएशन को समझ रहा था, वो जानता था सांजी ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सीन्स है यार जहां पर लूफी ने खुद को प्रूव किया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर है, प्लस वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है पूरे वन पीस का। तो अब तुम मुझे बताओ, कौन कहता यार ओडा लूफी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देता है। भाई वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है लूफी के कैरेक्टर के ऊपर, बट हाँ वो थोड़ा स्लो करता है, क्योंकि ये लंबी सीरीज है, वर्ल्ड बड़ा है, तो लूफी को भी थोड़ा स्लोली मिच्योर भी कर रहा है, उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दे रहा है, सब कुछ उसको थोड़ा धीरे धीरे देता है, जिस वजह से यार बहुत सारे लोग गौर नहीं कर पाते हैं। खैर जो कुछ भी हो, तुम्हारा क्या मानना है मैं कमेंट बॉक्स में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になって